अरे पॉकेट में जितना पैसा था सारा पैसा इस बच्ची को दे दिया मैंने। ये कौन, मेरी अपनी बहन है, लेकिन ये अगर इसका हाथ काटेंगे और मेरा हाथ काटेंगे तो दोनों का खून जो है वो लाल ही होगा। सरकार कुछ मदद उदद करता है कि नहीं आप लोगों का? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं मदद। सिर्फ इस देश के 10% सक्षम लोग ऐसे ऐसे लोगों का मदद करेंगे ना, और अपनी संपत्ति का सिर्फ 10% मदद कर देंगे ना, तो हम पूरे देश का हालात बदल सकते हैं। 1700 पैसा लिया है, बनवा देंगे कहाँ के, आज तक कुछ नहीं कर दिया। 1700 पैसा नहीं, 1700 रुपया लिया। मेरे पास जितना भी पैसा आता है उसका 25% डोनेट कर देता हूँ, लेकिन मैं अकेले दम पे पूरे देश का क्या, देश के 1% लोगों का भी हालात नहीं बदल सकता। वोट लेने के टाइम सबको वोटर लिस्ट लेंगे, वोटर हाँ। लिस्ट के समय सबको खोज करेंगे कि मेरा चाची, मेरा माँ बहन कोई सा, सब कुछ का मदद करेंगे कहा के, लेकिन कुछ नहीं कर देते हैं। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ना होगा तो तुम कॉल करना, आगे भी जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कभी 5-star होटल देखी है आप? हवाई जहाज पे चढ़ी है कभी? कभी बड़ा होटल में जाके खाना खाई है? नहीं। और इनके हक का पैसा जो है ना, झारखंड का विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री मार जाता है। माँ है ये, इन सब का स्थिति तुम बदल सकती हो अगर तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। साल उम्र हो गया बाबू तुम्हारा? 15 साल की बच्ची जो है, जिस उम्र में इसे पढ़ना चाहिए था ईमानदारी पूर्वक, उस उम्र में ये काम कर रही है। अगर ये काम नहीं करेगी तो शायद जो है इसका रोजी रोटी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए, एक हमारी चाची है, देखिए मेहनत कर रही है, यहाँ पे हाथ में एक छोटा सा फोन है। एक भाई है हमारा, इधर आ जाओ, 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 आ जाओ। किया जाए इन लोगों के लिए, कुछ किया जाए। बहुत सीधे लोग होते हैं ये लोग, झारखंड के जो लोग होते हैं, जो मजदूर हैं, जो आदिवासी लोग हैं, बहुत सीधे हैं। इनके लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन इनके नाम पे राजनीति करके बड़े बड़े नेता इनका हक मार जाते हैं। और देखिए, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो है ये दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, तब जाके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। कौन सा गाँव में घर है आपका? सेरो। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन। अच्छा, कितना साल उम्र हो गया? शादी वादी हुआ है कि नहीं? हुआ है, हुआ है। बच्चे उच्चे हैं कि नहीं? इन्हीं के बच्चे हैं। आप ही के बच्चे हैं? हाँ। ये देखिए कैसे ये लोग मेहनत करते हैं। यहाँ पे आप क्या बो रहे हैं? मड़ुआ। मड़ुआ बो रहे हैं, और ये तो खाने के काम में आता है ना? ये देखिए, ये काम कर रहे हैं, इनकी जो पत्नी है वो भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो भी काम कर रही हैं, और जो बच्चे हैं वो, और ये कौन है? मेरा बहन है। बहन है, और ये? मेरा माँ। माँ है। अरे बदला जाए ना दृश्य को। एक दिन का, एक रूम का भाड़ा जो है वो 1.5 लाख रुपया है। छत्तीसगढ़ में मेफेयर होटल में जो है झारखंड के विधायक जो है वहाँ पे अय्यासी कर रहे हैं, अय्यासी। झारखंड का सरकार जो है प्राइवेट चार्टर प्लेन से भाग गया है। और इन लोगों का देखिए, ये इनकी माँ है यहाँ पे, इनकी बहन है यहाँ पे, और इनके सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। दोनों बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, अभी तो छोटा है, तो कहाँ स्कूल। छोटा है, और बड़ा होगा तो पढ़ाएंगे। पढ़ाइएगा ईमानदारी पूर्वक, पढ़ाइए और पढ़ा के अपने बेटा को राजा बेटा बनाइए और ईमानदार अधिकारी बनाइए। सरकार कुछ मदद उदद करता है कि नहीं आप लोगों का? नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं मदद करता है? कुछ नहीं कहा, कुछ। हम लोग को राशन कार्ड सब भी नहीं है, जो मेरा थी क्या कहते हैं विधवा पेंशन, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बनवाने के लिए। अरे देखिए ना, 1700 पैसा लिया है, बनवा देंगे कहा के, आज तक कुछ नहीं कर दिया। 1700 पैसा नहीं, 1700 रुपया लिया है, कुछ नहीं। अरे इन लोग का स्थिति देख के जो है ना आंखों में आंसू आ जाता है। मैं रांची से लोहरदगा आया हूँ और इस रास्ते से मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक खेत में जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो छतरी के नीचे सोए हुए हैं। मैं अपना गाड़ी रोक दिया और मुझे अर्जेंट में कहीं और जाना है, एक घटना को कवरेज करने जाना है वहाँ पे। मैंने रोक दिया और सोचा कि इस दृश्य को दिखाऊं। कभी 5-star होटल देखी है आप? हवाई जहाज पे चढ़ी है कभी? कभी बड़ा होटल में जाके खाना खाई है? नहीं। और इनके हक का पैसा जो है ना, झारखंड का विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री मार जाता है। ये बात सत्य है।
पता है झारखंड के अभी विधायक जो है एक होटल में रहते हैं, उस होटल का एक दिन का किराया जो है 1.5 लाख रुपया है, पता है? और 1.5 लाख रुपया में इनका पूरा परिवार एक साल तक बढ़िया से चलेगा। एक साल का कमीनी भी इन लोगों का 1.5 लाख रुपया नहीं होगा। और वहाँ पे सारे विधायक गए कमाने को, उम्र भी नहीं है, सब जाते हैं कमाने, इधर ईटा बालू सीमेंट उमट आज का नहीं गए, इसलिए ट्रेन बैठ बैठ कर जाते हैं, तो आज नहीं गए, इसलिए अपना खेती लगा रहे हैं। और यही स्थिति है झारखंड के 90% आदिवासी लोगों का, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का और गरीब लोगों का यही स्थिति है। ईंटा भट्टी में काम करेंगे, दूसरे राज्यों में जाके काम करेंगे, मेहनत मजदूरी वाला काम करेंगे, उनको उनका हक नहीं दिया जाता। और चुनाव के समय में सारे नेता सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए हैं, हम आदिवासियों के लिए करेंगे करेंगे करेंगे, और करते नहीं है। अगर वो लोग आदिवासी के लिए कुछ करते तो शायद जो है झारखंड के आदिवासियों का इस देश में सबसे ज्यादा दुर्गति नहीं होता। अगर इस देश में सबसे खराब स्थिति अगर कहीं के आदिवासी का है तो वो झारखंड के आदिवासी का है, सही है कि नहीं है? वोट वोट लेने के टाइम सबको वोटर लिस्ट लेंगे, हाँ। वोटर लिस्ट के समय सबको खोज करेंगे कि मेरा चाची मेरा माँ बहन कोई सा सब कुछ को मदद करेंगे कह के, लेकिन कुछ नहीं कर देते हैं। पढ़ाई करती हो ना? हाँ। बढ़िया से पढ़ाई करो, मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकता लेकिन तुमको 1000 रुपया दे रहा हूँ, इससे अपना किताब कॉपी खरीदना। क्या खरीदना? पुस्तक। और ये हम लोगों की बहन है, समझिए ये झारखंड कौन सा गांव है तुम्हारा बाबू? सेरो। सेरो, अगर मेरे रुपया से ये 5 दिन खेत में काम नहीं करेगी और 5 दिन के जगह पे 5 दिन ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करेगी तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। बदला जाए इस दृश्य को सब लोग मिलके, हम झारखंड और बिहार के लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे ना तो इस स्थिति को बदल देंगे। उतना ही बड़ा बड़ा थे इन लोग उस टाइम, आपका चाचा नहीं है, किसी तरह से हम पालन किए। इन्होंने क्या कहा पता है? आपके चाचा नहीं है यानी मेरे चाचा, यानी ये मेरी चाची हुई। अरे बदला जाए ना, इसलिए इस दृश्य को देख के कभी कभी जो है हम लोग भी भावुक हो जाते हैं। माता से कहिए बेटा, हम लोग के लिए पैसे ही क्या करेंगे, अपना मजबूरी किसको सुनाएंगे, हम लोग के ऊपर वाला की भरोसा कर रहे हैं काम, लेकिन हम लोगों के लिए कोई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई करो बाबू, और तुम पढ़ोगी ना तभी ये दृश्य बदलेगा, वरना नेता लोग आएंगे चुनाव में वादा करेंगे घोषणा करेंगे वोट लेके जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। नहीं, किसी कोई नहीं। मैं रोज तो आपके घर पे नहीं रह सकता, नहीं। सही है कि नहीं? मेरा भी काम है, मुझे घूमना है, बहुत सारे लोगों के बारे में दिखाना है, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं करूँगा। बाबू तुम अपना किताब खरीदना, ड्रेस खरीद, 1000 रुपया और दे दीजिए पूरा दे दीजिए। ये देखिए मेरे पास जितना पैसा है जितना, ये ले लो तुम, 1, 2, 3, 6 ये 6000 रुपया है बाबू, ये लो और पढ़ाई करो, खेत में काम नहीं करना है, ये भी ले लो, ये सारा ले लो, ठीक है? और क्या करोगी? पढ़ाई करेंगे। क्या? पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करना है। और चाची, हाँ। 7000 रुपया मैं दे के जा रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ाइए इसको, अच्छा। पढ़ाइए, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं, इधर आ जाइए, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपके बच्चे नहीं करने चाहिए, और तुम टॉप करना, ठीक है ना? ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो तुम लोगों को हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ो ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, बस विनती है सरकार से। छोटी बहन एक ठोर है, उसको किसी तरह उसको भी पढ़ा रहे हैं। जो आप लोग 1.5 लाख रुपया के होटल में जो है छत्तीसगढ़ में जाके शराब के बोतल के साथ जो है मस्ती कर रहे हैं और अपने आप को आदिवासियों का नेता कहते हैं, आदिवासी का मुख्यमंत्री कहते हैं, बदलिए ना इस दृश्य को, किसने रोका है? हमारे पॉकेट में जितना पैसा था सारा पैसा इस बच्ची को दे दिया मैंने, ये कौन? मेरी अपनी बहन है, लेकिन ये अगर इसका हाथ काटेंगे और मेरा हाथ काटेंगे तो दोनों का खून जो है वो लाल ही होगा। मैं अगर एक बच्ची का हालात बदल सकता हूं तो आप लोग भी जो है बहुत सारे लोगों का हालात बदल सकते हैं। सरकारों से पहले मैं विनती करना चाहता हूं इस देश के सक्षम लोगों से कि आइए प्रयास किया जाए,
सिर्फ इस देश के 10% सक्षम लोग ऐसे ऐसे लोगों का मदद करेंगे ना, और अपनी संपत्ति का सिर्फ 10% मदद कर देंगे ना, तो हम पूरे देश का हालात बदल सकते हैं। मैं करता हूं, मेरे पास जितना भी पैसा आता है उसका 25% डोनेट कर देता हूं, लेकिन मैं अकेले दम पे पूरे देश का क्या, देश के 1% लोगों का भी हालात नहीं बदल सकता। लेकिन हम सब ने अगर ठान लिया, सिर्फ बिहार झारखंड के लोग ठान लिए, तो बिहार झारखंड से हम लोग जो है गरीबी दूर कर सकते हैं। बाकी चाची मैं आपका नंबर लेके जा रहा हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो कॉल कीजिएगा, और बाबू तुमको अगर अच्छे स्कूल में पढ़ना होगा तो तुम कॉल करना, आगे भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। मैं रांची में अक्सर आते रहता हूँ, तुम कॉल करना, तुम्हारा मदद करेंगे, लेकिन पढ़ाई करना बाबू। मैंने इस उम्मीद से तुमको पैसा दिया है कि तुम पढ़ोगी और ये सारे पैसे का जो है किताब खरीदोगी, कॉपी खरीदोगी, बनो कुछ बड़ा अधिकारी, बनो माँ बाप का नाम रोशन करो, और ऐसा कर दो कि तुम्हारे भाई को जो है यहाँ पे मजदूरी नहीं करना पड़े, तुम्हारी भाभी को जो है वहाँ पे मजदूरी नहीं करना पड़े, तुम्हारा भतीजा है सब वहाँ पे देखो खेत में खेल रहा है सब, तुम्हारी माँ है, ये इन सब का स्थिति तुम बदल सकती हो अगर तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक लड़का पढ़ता है तो एक परिवार जो है खुशी खुशहाल होता है, एक जब लड़की पढ़ती है वो सक्षम हो जाती है तो 7 पीढ़ी वो सक्षम हो जाता है। तो पढ़ाया जाए बेटियों को, पढ़ाया जाए बेटियों को, मदद किया जाए गरीबों को, बस इतना ही कहूँगा। इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास ना शब्द है और ना ही मैं इससे ज़्यादा बोल सकता हूँ। विनती है आप लोगों से, जय हिंद, बोलो जय हिंद, जय हिंद।